एसक्यूएल सिस्टम एमडीजी 4 में किस तरह से काम करता है यह हम सीखेंगे। इस वर्किंग मॉडल में एक फ्यूल टैंक लगा है, इसके साथ इसकी ये ग्लो रॉड है जहां से हमें फ्यूल की लेवल मात्रा पता लगेगा। फिलिंग कैप है, यहां पर फ्यूल पंप मोटर है, फ्यूल पंप मोटर लगी है। जो इस सिस्टम पे काम करेगी ये WDG 4 लोको की फ्यूल पंप मोटर और पंप सेट नहीं है, ये एल्को लोको का फ्यूल पंप मोटर है। ये सक्शन स्ट्रेनर प्रोवाइड किया गया है, ये स्पिन ऑन फिल्टर्स है, स्पिन ऑन फिल्टर्स यहाँ पर रिटर्न साइड ग्लास है, ये बाईपास साइड ग्लास है, ये फ्यूल प्राइमरी फिल्टर है, ये एक्चुअल प्राइमरी फिल्टर नहीं है, ये उसका रेप्लिका है। ये डिफरेंशियल प्रेशर गेज है जो कि फ्यूल प्राइमरी फिल्टर के अक्रॉस लगा होता है, जो फ्यूल प्राइमरी फिल्टर के कंडीशन की जानकारी देता है। इस गेज में 3 जोन होते हैं, हरा, पीला और लाल। जब यह सुई हरे जोन में होती है तो वह प्राइमरी फिल्टर की अच्छी कंडीशन बताती है, जब यह पीले जोन में होती है तो वह प्राइमरी फिल्टर पार्शियल चोकअप होना की कंडीशन बताती है, और जब वह लाल जोन में आता है तो ये फिल्टर के जाम होने की, चोक होने की कंडीशन बताता है, यानी फिल्टर को बदलने का समय आ गया है। फ्यूल इंजन प्राइमिंग स्विच को प्राइम पे करेंगे, तमाम सर्किट ब्रेकर्स ऑन करने के पश्चात तो फ्यूल प्राइमिंग करते ही फ्यूल पर मोटर चलना शुरू होगी, फ्यूल पर मोटर चलना शुरू होगी और साइड क्लास, रिटर्न साइड क्लास में तेल भरना शुरू हो जाएगा, रिटर्न साइड क्लास में तेल भरना शुरू हो जाएगा, जिससे सिस्टम में उपलब्ध प्रेशर और सिस्टम का सर्कुलेशन के बारे में पता चलेगा। ये रिटर्न साइड क्लास में प्रारंभ में हल्के हल्के बुलबुले आएंगे, उससे दर्शाता है कि हमारा सिस्टम सही काम कर रहा है। बाईपास साइड क्लास में यदि तेल फ्यूल ऑयल आता है तो वह इस स्पिन ऑन फिल्टर्स को चोक होने की स्थिति दर्शाता है, यानी कि पूरे सिस्टम में से ऑयल बाईपास होकर फिल्टर्स को बाईपास करते हुए सिस्टम में न जाकर वापस वो फ्यूल टैंक में रिटर्न पाइप से फ्यूल टैंक में, फ्यूल टैंक से सक्शन पाइप के द्वारा, ये सक्शन पाइप लगी है, ये फ्यूल टैंक जैसे ही चलेगी फ्यूल टैंक से फ्यूल खींचकर सक्शन स्ट्रेनर से साफ करके फ्यूल पंप इसे प्रेशर बनाकर इसे प्राइमरी फिल्टर में भेजता है। प्राइमरी फिल्टर में यह फिल्टर होकर उस पाइप से आउटलेट में निकलकर, ये यहां से निकलकर ये इस जंक्शन बॉक्स में आता है, और जो रेड कलर की पाइप है ये फ्यूल प्रेशर की पाइप है, और ये सीधा आता है स्पिन ऑन फिल्टर्स में। ये स्पिन ऑन फिल्टर्स में दोबारा से फिल्टर होकर ये पाइप आता है इस जंक्शन बॉक्स में, इंजन के एक्सेसरी एंड पर लगा होता है। यहाँ जंक्शन बॉक्स से दो जगह पर निकलता है, जो एक तो फ्यूल हेडर की तरफ जाएगा और दूसरा तो ये लेफ्ट साइड का फ्यूल हेडर में जाएगा, और इस रेड कलर की जो पाइप है फ्यूल हेडर में ऑयल प्रेशर के साथ रहेगा। तत्पश्चात यहां से एक कनेक्शन दिया गया है मैकेनिकल यूनिट इंजेक्टर को, जिसमें फ्यूल हमेशा प्रेशराइज रहेगा, जिससे जब भी कैन के द्वारा इंजन चालू अवस्था में कैन के द्वारा यह यूनिट इंजेक्टर ऑपरेट होता है तो प्रेशर के साथ एटोमाइज होकर फ्यूल कंबशन के दौरान, पावर कंप्रेशन के दौरान एटोमाइज होकर फ्यूल का सिलेंडर में प्रवेश करता है, जिससे फ्यूल जलता है और इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है।
फिर यूनिट इंजेक्टर से बचा हुआ फ्यूल है रिटर्न द्वारा रिटर्न हेडर में आ जाएगा और रिटर्न हेडर से जो पीले रंग से दर्शाया है उसका कनेक्शन जंक्शन बॉक्स में से यहाँ से दोबारा आकर और ये रिटर्न पाइप वापस इस जंक्शन बॉक्स में आ जाएगा जो स्पिनोमीटर के पास लगा है और यहाँ से रिटर्न पाइप जो पीले रंग से दर्शाया है रिटर्न पाइप यह फ्यूल रिटर्न इस जंक्शन बॉक्स में आकर वापस फ्यूल टैंक में चला जाए ब्लॉक में जहाँ पर रिटर्न साइड ग्लास लगा है 5 PSI की एक प्रेशर लगा हुआ है जो कि पूरे सिस्टम में बैक प्रेशर बना के रखता है। बाईपास साइड ग्लास के यहाँ पर 60 PSI की एक रिलीफ वाल्व लगी है जो कि जब भी सेकेंडरी फिल्टर यानी स्पिन ऑन फिल्टर चोक होंगे तो वह बाईपास वाल्व 60 PSI पर ऑपरेट होकर फ्यूल को पुनः फ्यूल टैंक में वापस भेज देगी और इंजन में आगे फ्यूल नहीं जाएगा जिससे इंजन फ्यूल की कमी से बंद हो जाएगा। ग्लास में बुलबुले किसी प्रकार से नहीं होने चाहिए। यदि इसमें बुलबुले आते हैं इंजन बंद अवस्था में फ्यूल प्राइमिंग में यदि इसमें बुलबुले आते हैं तो सक्शन लाइन में कहीं पर लीकेज है और उस लीकेज के द्वारा सिस्टम में हवा का प्रवेश कर रहा है उसके लिए। और यदि इंजन चालू अवस्था में इसमें बुलबुले आते हैं इंजन वर्किंग है उस समय तो इंजेक्टर की टिप यानी नोजल कहीं खराब है जहां से इसमें से कंप्रेस्ड एयर या एग्जॉस्ट गैसेस अंदर प्रवेश करके इसमें रिटर्न फ्यूल में आ रही है। HHP लोको WDG4 लोको में लगा हुआ फ्यूल प्रणाली का ये डिस्प्ले बोर्ड है जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से यह प्रणाली कार्य करती है तथा इसमें किस किस प्रकार की ट्रबल्स आती हैं जिसका हमें निराकरण करना है। अभी यह फ्यूल सिस्टम पूरी तरह से नॉर्मल वर्किंग कर रहा है। अभी हम इसमें सक्शन स्ट्रेनर चोक हो गया है जाम हो गया है तो उसका एक डिफेक्ट इसमें डालेंगे जिसे हमें यहाँ से हमने डिफेक्ट डाल रहे हैं जरूर चल रही है लेकिन सक्शन स्ट्रेनर जाम है तो फ्यूल आगे कहीं पर भी नहीं जा रहा है। ये लाल रंग से इसलिए दर्शाया है कि जहां जहां फ्यूल जाता है वहां पर अभी फ्यूल उपलब्ध नहीं है। अब जैसे हम सक्शन स्ट्रेनर को ठीक करेंगे बदलेंगे साफ करेंगे और उसके तुरंत बाद जैसे हमने चेंज किया तो पुनः हमारा सिस्टम नॉर्मल वर्किंग करना शुरू कर देगा और फ्यूल आगे फ्यूल प्राइमरी फिल्टर फ्यूल पंप मोटर उसे आगे पूरे सिस्टम में वर्किंग है। अभी हम फ्यूल पंप मोटर इफेक्टिव है फ्यूल पंप मोटर नहीं चल रही है ऐसा ट्रबल ऐसा एक फॉल्ट उसमें क्रिएट करते हैं। जैसे फ्यूल मोटर बंद कर दिया हमने तो आगे फ्यूल जाना बंद हो गया है तो जैसे हम फ्यूल पंप मोटर को ऑन करेंगे तो ये आगे फ्यूल सिस्टम पूरी तरह से काम करना शुरू होगा। फ्यूल प्राइमरी फिल्टर चोकअप होने पर कंडीशन गेज फिल्टर कंडीशन गेज जो लगा है उसकी सुई लाल जोन में जाएगी तथा उस पे लगे 30 PSI बाईपास वाल्व ओपन हो जाएगा और फ्यूल प्राइमरी फिल्टर को बाईपास करते हुए पूरे सिस्टम में चला जाएगा तथा सिस्टम में फ्यूल की कमी नहीं होगी किंतु फ्यूल कंडीशन गेज जो कि फ्यूल प्राइमरी फिल्टर के कंडीशन बताता है उसकी सुई लाल परिस्थिति में बताकर उसकी कंडीशन चोकअप होने की बताएगी। जब हम फ्यूल प्राइमरी फिल्टर को बदल देंगे साफ अच्छे फिल्टर को लगा देंगे तो दोबारा नॉर्मल सिस्टम नॉर्मली वर्किंग कर रहा है। अभी हम इसको डेड कॉक को ओपन करेंगे डेड कॉक को ओपन होते ही सिस्टम में फ्यूल जाना बंद हो जाएगा और सारा फ्यूल डेड कॉक से होते हुए टैंक के लिए रिटर्न हो जाएगा।